कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स हैं, बपलिंग्स हैं, आपने सही तरह सुना कि कंडेंस मिल्क के डम्पलिंग्स हैं। सो हम उसको एक सॉस में बनाएंगे। यहाँ मेरे पास 150 ग्राम मैदा है। सो 150 ग्राम मैदा आपने डालना है, 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर है, ठीक है, वो हम डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सिर्फ 20 ग्राम, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच जितना मक्खन, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा, जस्ट अबाउट 1 टेबलस्पून जितना दूध पहले, और जस्ट अबाउट 1 टेबलस्पून जितना कंडेंस मिल्क पहले, ठीक है। अब इसके हम डम्पलिंग्स बनाएंगे, और जो बकिया ये सारी चीज़ें हैं, मक्खन और वेनिला एसेंस, दूध, गोल्डन सिरप, और पूरा ये कैन जो था कंडेंस मिल्क का, उसका हम सॉस बनाएंगे। तो ये सॉस में इन डम्पलिंग्स को डाल के हम उबालेंगे, और फिर आप क्रीम के साथ इनको सर्व करिएगा। तो मैदा है, मक्खन है थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसमें आपने दूध डालना है, कंडेंस मिल्क है। अब दूध पूरा डालेंगे, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ, मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा। बहुत ड्राई नहीं बनाइएगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाइएगा। आज हमारे शो पे है ड्राई आयन एनएक्स की तरफ से, और इसके अलावा वाउच 365 की कूपन बुक्स लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, एबटाबाद, सरगोधा, फैसलाबाद, कराची एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं तो आपने बताना है मुझे कोई भी पास्ता की रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब ये डम्पलिंग्स का डो हम बनाएंगे, मगर मैं यहाँ ये सारी चीज़ें डाल देना चाहती हूँ ताकि इसमें भी एक उबाल आए। इन अ पैन, खुला पैन लीजिएगा इस तरह का, कंडेंस मिल्क का पूरा टिन यहाँ 300-350 ग्राम तक का मिलता है, वो वाला पूरा कंडेंस मिल्क का पूरा टिन लीजिएगा। उसमें से सिर्फ हमने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है उसमें डम्पलिंग के डो में, ठीक है, ये हुआ। और गोल्डन सिरप आपको 80 मिलीलीटर्स चाहिए, टिन में जो मिलता है गोल्डन सिरप, नहीं हो शहद डाल दीजिएगा, शहद से थोड़ा मीठा हो जाएगा, बस गोल्डन सिरप इज़ नॉट एज मीठा शहद की तरह, ठीक है। मिल जाता है आपको टिन में, ग्रीन एंड ग्रे कलर का टिन होता है, बाहर का है ये। अच्छा, ये हो गया, फिर बकिया जो मक्खन है वो जाएगा, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट, और ये जो वाउच 365 की किताबें हैं, ये सब कुछ आप हमारे शो के थ्रू जीत सकते हैं। पास्ता के नाम बताने हैं आपने, पास्ता के रेसिपीज़ के, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, वेनिला एसेंस भी मैं डाल दूँगी इसी में, और ये है एक्स्ट्रा मैदा जो मैं हाथों से करूँगी। सो अभी ज़रा मैं पूरा दूध डाल दूँ, और मैदा हाथों में लगा के छोटे छोटे डम्पलिंग्स हम बनाएंगे। तब तक इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि ये पिघल जाए मक्खन, हर चीज़ यकजान हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवरवर्क नहीं करिएगा, वरना डम्पलिंग का जो डो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ठीक है। बस ये मिक्स हो गया ना, अब आपने हाथों से इसको बनाना है। सो सारी चीज़ें ज़रा हटा लेती हूँ यहाँ से। नाउ मैदा थोड़ा सा लीजिए हाथों में, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, और फिर इसके छोटे छोटे अबाउट 12-15 छोटे बॉल्स बना दीजिए, एंड देन इसके अंदर हमें डालना है। देखें, मक्खन, कंडेंस मिल्क और गोल्डन सिरप, देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला TV, और जो डम्पलिंग्स का डो हमने बनाया था ये कंडेंस मिल्क के उसमें चला गया। डम्पलिंग्स हमेशा गोश्त के, चिकन के, कीमे के, प्रॉन के नहीं होते, इस तरह के मीठे भी होते हैं, बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा। और बस इसको मैं ढक देती हूँ।